नमस्कार, एमबीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा भू माफिया के विरुद्ध कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण व भू माफिया के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त विभागीय अधिकारी पुलिस को दिया गया है। निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे द्वारा डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम बामनदेही में सोनू उर्फ सूरज पिता संतोष सोनी निवासी जनता नगर सिवनी के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर ढाबा संचालित करने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी डूंडा सिवनी को कार्यवाही के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थाना प्रभारी डूंडा सिवनी द्वारा तहसीलदार सिवनी से समन्वय स्थापित कर उक्त शासकीय भूमि पर स्थित सोनू ढाबा 2700 वर्ग फीट जिसका बाजार मूल्य 30 लाख रुपए, निर्माण लागत 10 लाख रुपए, फर्नीचर और अन्य सामान 10 लाख रुपए के साथ वैश्विक कार्यवाही करते निर्माण को गिराकर शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। ढाबा संचालन सोनू उर्फ सूरज सोनी एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में मारपीट, SC/ST एक्ट, आबकारी एक्ट, महिला संबंधी अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। पूर्व में आरोपी के विरुद्ध थाना डूंडा सिवनी में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उक्त आरोपी के विरुद्ध जिला बदल का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। झंडास्थ संपत्ति की कीमत कुल 50 लाख रुपए, अवैध कब्जा धारक सोनू उर्फ सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 वर्ष निवासी जनता नगर सिवनी। सराहनीय कार्य। उक्त कार्यवाही में थाना डूंडा सिवनी का सारा बल और रक्षित केंद्र के प्राप्त कॉम्पैक्ट प्लाटून के बल, राजस्व व नगर पालिका के अमले का योगदान रहा। रशीद खान के साथ कैमरामैन उमर कुरैशी। सर, आज ये जो अतिक्रमण किया गया है इसके बारे में बताइए, क्या चल रहा था यहाँ पे? संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे भू माफियाओं, खनन माफियाओं, अवैध नशाखोरी के अड्डों के विरुद्ध विशेष अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत आज यहाँ पर ये बामनदेही पर ये कई वर्षों से यहाँ पर ढाबा संचालित था अवैध तरीके से शासकीय भूमि पर, और इसके विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर शिकायतों पर हमने आबकारी एक्ट के तहत भी 4 मामले इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। इसी जगह पर इसके द्वारा एक महिला संबंधी अपराध भी घटित किया गया है और इसके खिलाफ मारपीट SC/ST एक्ट के कई मामले पंजीबद्ध है। ये लगातार ये भू माफिया के रूप में अवैध शराब का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार इस पर आज कार्रवाई की गई है। उस अभियान के तहत इसका जो है अवैध कब्जा यहाँ से हटाया जाता है, पूरा ढाबा इसका।